Hi everyone, welcome to my channel and welcome to another haul video. So आज का जो video is going to be on a Meesho haul and मैं यहाँ पे night suit पहन के बैठी हूँ क्योंकि ये जो time है ये रात का time है. मैंने बहुत सारे videos film किए and इसके बाद मैं सीधा makeup उतार के सोने वाली हूँ. तो मैंने सोचा कि ये night suit जो है रखा पड़ा था साइड में और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है ऑलरेडी. अगर आपने मिस कर दिया तो डेफिनेटली वो वीडियो चेक करना बिकॉज ये जो नाइट सूट है विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है एंड काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है. ये जो मटेरियल है ये काफ़ी अच्छा है, बहुत कोजी है. सो मैंने सोचा कि मैं अभी ये पहन लेती हूँ एंड इसके बाद मैं डायरेक्टली मेकअप उतार के सोने चली जाऊँ. फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो फिल्म कर ही लेते हैं. सो आज की वीडियो में जो चीज़ें मैं दिखाऊंगी कुछ जो है विंटर वेयर की चीज़ें एंड कुछ जो है दीज जो चीज़ें हैं मैंने एक्चुअली मेरे भाई के लिए मंगवाया है. तो मैं अगर आपके मतलब कोई भी अगर भाई के लिए लेना है, हस्बैंड के लिए लेना है, बॉयफ्रेंड के लिए तो ये चीजें आप डेफिनेटली ले सकते हैं या चेकआउट कर सकते हैं. सो इट्स गोना बी अ मिक्स हॉल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हॉल. सो द फर्स्ट आइटम दैट आई गॉट इज दिस जैकेट. नाउ इस टाइप के जो जैकेट्स है ये काफी ज्यादा इन ट्रेंड चल रहा है जो कि आप विंटर में तो पहन ही सकते हैं एंड समर में भी डेफिनेटली पहन सकते हैं. एंड ये सारी जितनी भी चीजें हैं आई थिंक अंडर 500 रुपीज थी जहां तक मुझे पता है, बहुत अफोर्डेबल चीजें थी. सो द फर्स्ट जैकेट दैट आई गॉट इज दिस. ऑल्सो अगर आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे अभी भी क्वेश्चंस आते हैं मीशो को लेके, डाउनलोड नहीं किया तो मेरे दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 30% ऑफ मैक्स 100 रुपीज ऑफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप का जैकेट है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी दे रखी है. तो ये वाले जो जैकेट्स है ना ये आप ट्यूनिक्स के साथ पहन सकते हैं, नॉर्मल वेस्ट के साथ भी पहन सकते हैं, या फिर अगर आप कोई भी कुर्ती के साथ पहनना चाहते हैं इंडो वेस्टर्न लुक के साथ वैसे भी आप पहन सकते हैं. ये वाला जो डेनिम का मटेरियल है ये थोड़ा सा लाइट वाला डेनिम का मटेरियल है तो सम विंटर्स में डे टाइम में डेफिनेटली आप इसे पहन सकते हैं. सो ये ब्लैक के ऊपर जो डिजाइन दे रखा है ये काफी अच्छा लग रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा झालर टाइप का टैसल्स लगे हुए हैं एंड देन यहाँ पे फुल स्लीव आपको मिल जाएगा. नॉट ओनली दिस, पीछे भी आपको बहुत ही ज्यादा क्यूट सा डिजाइन मिल जाएगा. सो ये जो जैकेट है ये बहुत अफोर्डेबल था एंड इसमें और भी कलर्स मिल रहे हैं तो आप कलर्स भी चेक कर सकते हैं. एंड इसमें जो साइज लिया है मुझे मेंशन मतलब मुझे याद नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी तो वहां से आप चेक कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट जैकेट दैट आई गॉट, डेनिम का जैकेट है. इसके साथ साथ मैंने ये वाला डेनिम का जैकेट लिया है, इसमें भी आपको काफी सारे कलर्स मिल जाएंगे. सो ये वाला जो डेनिम का जैकेट है ना इसके अंदर पूरा का पूरा फर का मटेरियल दे रखा है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरा का पूरा फर का मटेरियल है एंड अगर आप कोई ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है ना उस चीज उसके लिए आप डेफिनेटली ये वाला जैकेट ले सकते हैं. सो पूरे के पूरे जैकेट में आपको फर वाला मटेरियल मिल जाएगा जो कि सॉफ्ट तो है ही, इसके साथ साथ इट्स गोना प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ वार्मथ. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिल्ट्री ग्रीन कलर का है. इसमें आपको और भी शायद कलर्स मिल जाएंगे बट मुझे ये वाला जो कलर है ये काफी अच्छा लगा. कुछ कलर्स ऐसे थे जो काफी ज्यादा चीप लग रहे थे तो मैंने वो नहीं लिया, मुझे ये कलर काफी अच्छा लगा. सो इसके साथ साथ आप डेफिनेटली जीन्स पहन सकते हैं या फिर आप ऐसे कैजुअल वेयर के लिए भी इसे पहन सकते हैं, काफी अच्छा है. इसके जितने भी सारे बटन्स हैं सारे के सारे ओपन होते हैं तो इसके साथ आप नॉर्मल वेस्ट भी अगर आप पहने तो भी काफी काम चल जाएगा बिकॉज ये जो मटेरियल है ये काफी ज्यादा वार्म है. सो ये मैंने लिया है नेक्स्ट. उसके बाद मीशो पे लेदर जैकेट्स काफी अच्छे आए हैं, काफी ज्यादा चल रहे हैं. लॉन्ग कोट्स भी जैसे ट्रेंच कोट जो है वो भी काफी अच्छे चल रहे हैं. एंड अगर आपने मेरा मीशो विंटर वेयर हॉल चेक नहीं किया जहाँ पे मैंने लॉन्ग कोट्स दिखाए तो डेफिनेटली वो वाला वीडियो चेक करना क्योंकि उसमें बहुत अमेजिंग चीजें मैंने दिखाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का जो लेदर जैकेट है ये आपको बहुत अफोर्डेबल रेंज में लाइक 300 to 350, 400 तक आपको आराम से मिल जाएगा. सो ये मैंने पाउडर ब्लू कलर का लिया है बट आप चाहे तो मरून, ग्रे, ब्लू काफी सारे और भी कलर्स में मिल रहे थे. इसकी जिप की भी क्वालिटी काफी अच्छी है, इसमें काफी सारे कलर्स अवेलेबल थे एंड ये अफोर्डेबल था तो आप चाहे तो 1, 2, 3 और भी कलर्स इस तरीके के ले सकते लाइक 300-400 रुपीज का ही जैकेट था ये. सो ये काफी अच्छा है एंड देन यहाँ पे भी आपको इस टाइप का जिप मिल जाएगा. जैकेट काफी ज्यादा शीक है, कलर्स आप इसमें वाइजली चूज करना बिकॉज ब्लैक जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन था एंड मतलब इतना ज्यादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. इनफैक्ट ये वाला कलर पिंक, मरून भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था तो इन कलर्स में से आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं एंड ब्लैक लिटरली हर किसी के पास होता ही है, इवन दो सारे कपड़ों के साथ चल जाता है. आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल कि इस टाइप के चूज करना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था. सो यहाँ पे आप देख ही सकते इस टाइप का है एंड प्राइस के लिए क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है तो आप डेफिनेटली ये चेक कर सकते हैं. एंड ये जो है ना कोई भी लाइट कलर के ट्राउजर्स के साथ भी चल जाएगा, जैसे कैमल कलर का कोई पैंट हो या फिर बेज कलर या फिर ब्लैक, व्हाइट, कोई भी कलर के जीन्स या ट्राउजर के साथ चल जाएगा.
सो ये मैंने लिया है। उसके बाद जैसे मैंने मेंशन किया, मैंने मेरे भाई के लिए कुछ चीज़ें ली है। सो ये मैंने लिया है फर्स्ट हुडी। आई हैड नो आइडिया कि मीशो पे कैसे क्वालिटी की चीज़ें मिलती है व्हेन इट कम्स टू मेल जेंडर। तो मैंने इससे पहले इतनी सारी चीज़ें नहीं ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक ले लूँ। एंड ये मैंने लिया है एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी। क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी, बहुत सारे हुडीज़ मिल रहे थे एंड मुझे ये वाला हुडी काफ़ी अच्छा लगा। तो ये अंदर से मस्टर्ड कलर का है एंड ऊपर से यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटल ग्रीन कलर का है। एंड इस पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर सा डिज़ाइन भी दे रखा है। एंड ये भी आई थिंक 400-450 का था, जो कि बिल्कुल भी ये प्राइस में आपको दूसरी जगह चीजें नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। बहुत सारे हुडीज मिल रहे थे, मुझे उनका नहीं पता, बट ये सेलर से काफी अच्छी क्वालिटी की काफी अच्छी है। एंड प्लस टच करने पे ये काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है। इसमें भी स्मॉल से लेके एक्सेल तक साइजेस अवेलेबल थे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉकेट भी मिल जाएगा। सो विंटर के लिए अफोर्डेबल ऑप्शन अगर आपको चाहिए, मेन की चीजें भी बहुत अच्छी मिलती है, तो ये मैंने लिया है। उसके बाद मैंने ये वेस्ट का सेट लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, बट मेरा भाई जिम जाने लगा है तो फिर उसने कहा कि मुझे इस टाइप का कुछ चाहिए। एंड दूसरे वेबसाइट्स में मुझे इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए मैंने मीशो पे चेक किया एंड ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सो घर पे पहनने के लिए काफ़ी अच्छा है, अगर जिम जा रहा है कोई, तो अगर आपको किसी के लिए परचेज करना है तो ये डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। एंड आपको 400 में दो का सेट इस टाइप का आपको बहुत सारा मिल जाएगा मीशो पे। इवन 350 के दो भी इस टाइप के आपको मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है फॉर दिस क्वालिटी। सो इसका जो मटेरियल है ये काफी ज्यादा थिन है, बट ये काफी अच्छा मटेरियल लग रहा है, तो ये मैंने लिया है। एंड ये इस टाइप का डिजाइन है। इसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशन में मिल रहा था, तो ये आपको कॉम्बिनेशन जैसे रेड एंड ब्लैक का भी मिल जाएगा, बट मुझे व्हाइट अच्छा लगा उसके लिए। सो ये इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कलर है, ये रेड कलर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है एंड ये डिज़ाइन जो है सेम ही है, बट कलर का फ़र्क है। सो ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये मैंने लिया है भाई के लिए मीडियम साइज़ में। सो ये मैंने लिया है। उसके बाद मैंने उसके लिए एक डफल बैग लिया, क्योंकि उसका वाला ख़राब हो गया था। सो मैंने ये वाला डफल बैग लिया एंड ये भी 350 का था, 350 या 360 रुपीज़ का था। उसके हिसाब से ये डफल बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ना वेकेशन पे भी जा रहे हैं, तो वेकेशन के हिसाब से भी अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। मैं आपको क्लोजअप दिखा रही हूँ, इसका काफ़ी अच्छा है। इसमें कलर्स भी अवेलेबल थे, बट मुझे उसके लिए रेड कलर काफी अच्छा लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिप आपको मिल जाएगा। इसकी जिप की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, इट्स वेरी वेरी स्मूथ। सो आपको इस टाइप पे यहाँ पे मेश में नेट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप स्टोरेज के लिए रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। पीछे से ये कुछ इस टाइप का है, एडजस्टेबल स्ट्रैप आपको मिल जाएगा। इसके अंदर कोई चीजें रखी हुई, इसकी बॉटल और इसका टॉवल रखा हुआ है। सो काफी ज्यादा स्पेशियस है ये, काफ़ी स्पेशियस है। एंड अंदर से भी इसका जो मटेरियल है ये काफ़ी अच्छा है, मतलब आप वॉश भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा कहीं गंदा भी हो गया तो आप वेट क्लॉथ के साथ उसे इजीली वाइप भी कर सकते हैं। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो ये मैंने लिया है। एक सिपर भी मैंने उसके लिए ऑर्डर किया था, बट वो अब तक आया नहीं, तो जब आएगा तो मैं आपको दूसरे कोई वीडियो में दिखाऊंगी। एंड लास्ट मैंने जो लिए है, मुझे क्लिप्स का काफ़ी ज़्यादा लाइक हेयर एक्सेसरीज का काफ़ी ज़्यादा शौक है। सो एक मैंने लिया था, हेयर एक्सेसरी हॉल किया था एंड वो क्लिप यही कहीं था, बट अभी मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये मैं ये सो ये सेट ऑफ सिक्स था। अगर आपने ये वाला वीडियो मिस कर दिया तो इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये मैं काफ़ी टाइम से एवरी सिंगल डे इस्तेमाल कर रही हूँ बाल बांधने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है एंड दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। सो ये भी इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जो मैंने लिया है वो इस टाइप के कोरियन क्लिप्स है। दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा फैंसी लग रहे थे एंड आई बिलीव कि कोई भी अगर इस टाइप की एक्सेसरी हो तो आपकी सिंपल से लुक को भी बहुत अच्छी तरीके से जाजब कर सकता है। सो ये मैंने लिया है लास्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर के क्लिप्स हैं एंड ये बहुत अनयूजुअल लग रहा था, बट क्वालिटी इसकी जो दे रखी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं आपको एक लगा के दिखाती हूँ किस टाइप का लगता है। आई थिंक दीज क्लिप्स आर नॉट फॉर एवरीबडी, पसंद के ऊपर है एंड किस टाइप की चीज़ों, मतलब किस टाइप के ड्रेस के साथ आप पहनते हो वो भी मैटर करता है। सो ये कुछ इस टाइप से है, ऑब्वियसली यहाँ पे तो नहीं पहनूंगी मैं। सो ये कुछ इस टाइप का लगता है ना। सो डिज़ाइन जो वेबसाइट पे दे रखा था वो हल्का सा डिफरेंट था, क्लिप्स थोड़े से छोटे थे बट ये थोड़े बड़े आए, बट आई रियली लाइक दिस, बहुत क्वर्की है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में भी। तो ये मैंने लिया है एंड ये क्लिप्स जो है ये एक्सपेंसिव थे थोड़े से, मतलब 400 500 के तो नहीं थे, 350
के रेंज में थे एंड इसमें शायद 5 मिलने थे या मुझे नहीं पता, मुझे 4 ही मिले हैं, बट इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो आई एम कीपिंग दीज, मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने लिया एंड काफ़ी अच्छा है, आप भी ले सकते हैं एंड दो मेरे लिए एंड दो मेरी सिस्टर के लिए. सो ये मैंने लिए, ये भी आप डेफिनेटली ले सकते हैं, काफ़ी क्वर्की है. सो दैट कम्प्लीट्स माई हॉल. डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये मिक्स हॉल कैसे लगा, और मुझे बताना कि आप और कौन कौन से हॉल्स देखना चाहोगे या किस टाइप का कंटेंट देखना चाहोगे. आई वुड लव टू डू दोज वीडियोज फॉर यू ऑल. मीशो डाउनलोड नहीं किया, मेरे दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑर्डर पे 30% ऑफ, मैक्स 100 rupees ऑफ मिल जाएगा. और यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आप मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. वो कंटेंट अच्छा लगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना. दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर